मुझे लगता है कि लेफ्ट पार्टीज अब एक तरह से वेंटिलेटर पर है, और जो देश की तरक्की एक्सीलेटर पर चल रही है उसको कैसे वो रोका जा सके उसकी कोशिश। स्ट्राइक बैक कर रहे मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। नमस्कार, स्वागत है आपका नाइन टीवी पर। दिन की बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं श्वेता भट्टाचार्य। आज भारत बंद रहा, बंद कितना सफल रहा कितना नहीं इसका असर तो बाद में सामने आएगा, लेकिन बंद पर सियासत जरूर देखने को मिली है। बंद के बहाने विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा, तो वहीं बीजेपी ने बंद को बेअसर बताते हुए कहा कि हर वर्ग सरकार के हर फैसले के साथ खड़ा है। बंद के बहाने मजदूरों ने अपने हक की मांग उठाई, तो छात्रों ने अपने हक की, बैंक और रेल कर्मचारियों ने भी इस बंद को समर्थन अपने अपने मुद्दों पर किया। सभी पार्टियों ने बंद को लेकर अपने अपने दावे भी किए, मतलब बिल्कुल साफ है बंद पर भी सियासत हो रही है। अब सवाल उठता है कि कौन कर रहा है सियासत, भारत बंद करने से किसको फायदा होगा, इन सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। सड़कों से बुलंद होती ये आवाज उन लोगों की है जो मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ है। देश भर में बंद का ऐलान किया गया। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के कहने पर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, कई बैंक भी बंद किए गए। कई राज्यों में सरकारी बसों को रोका गया, बसों में तोड़फोड़ की गई, ट्रेन की पटरियों पर देसी बम बरामद किए गए। इस सब के बावजूद बंद का वो असर नजर नहीं आया जिसकी उम्मीद विपक्ष ने की थी। इस सब के बीच मजदूरों के नाम पर बुलाए गए एक बंद के बहाने सियासी जंग और भी तेज होती नजर आई। विपक्ष ने बंद के सहारे सरकार पर सवाल उठाए। मोदी सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं, जनता विरोधी नीतियां हैं, देश विरोधी नीतियां हैं, संविधान पर हमला है। जब संविधान ही हमला तुम करोगे तो कौन बच सकता है इस देश में। इसलिए आज मजदूर किसान अपनी शक्ति को दिखा रहे हैं और हम लोग उनके समर्थन में आए। तमाम ट्रेड यूनियन यहाँ है, हम उनके समर्थन में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डाउन, एग्रीकल्चर सेक्टर में डाउन, ऑटोमोबाइल सेक्टर में डाउन, चारों तरफ आर्थिक मंदी का माहौल, बेरोजगारी 45 वर्षों में सबसे ज्यादा, बैंकों का एनपीए 10.5 लाख करोड़, आप जा किस ओर रहे हैं? बड़े बड़े पूंजीपति हिंदुस्तान से पैसा लूट के विदेशों में जाके नागरिकता ले ले रहे हैं। देश के बड़े बड़े उद्योग व्यापारी जो यहां पे धंधा नहीं कर पा रहे हैं वो जाके विदेशों में अपना व्यापार कर रहे हैं। तो देश एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है जिसकी ओर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। बंद के ऊपर विपक्ष सियासत करती नजर आई, तो दूसरी तरफ सरकार ने विपक्ष पर भी सवाल दागे। बंद को पूरी तरह से नाकाम बताया गया, साथ ही बीजेपी ये दावा करती नजर आई कि देश का हर तबका उनके फैसलों के साथ खड़ा है। आज देश एक स्टेबल सरकार, एक मजबूत सरकार, एक ऑनेस्ट सरकार और रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म के साथ साथ मजबूती के साथ जन सरोकार के लिए समर्पित काम कर रही है। सरकार मजदूर हित में काम कर रही है और मोदी जी ने जितना काम मुख्यमंत्री को रहते हुए गुजरात में मजदूरों के उद्धार के लिए किया है कोई दूसरा नहीं कर सकता है। कहने को तो ये हड़ताल मजदूरों के हित में थी, लेकिन हड़ताल से सुलगी आग में सियासतदान अपनी सियासी रोटियां सेकने से चूकते नजर नहीं आ रहे। हड़ताल के बहाने नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाए और सियासी सवालों के इसी शोर के बीच गरीब के हक की बात दबती नजर आई। मिली जुली असर वाली हड़ताल के बाद गरीबों को उनका कितना हक मिलेगा ये तो वक्त के साथ ही साफ हो पाएगा। हाँ, 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 हाँ,
ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV। तो आज भारत बंद रहा, असर की बात तो बाद में कर लेंगे, लेकिन अब इस पर सियासत हो रही है क्या, तो सवाल कुछ उठ खड़े होते हैं। जी हां, R9 टीवी के कुछ सवाल हैं कि बंद के सहारे सियासत जो है वो कौन कर रहा है, क्या विपक्ष सियासत कर रहा है, भारत बंद करने से किसको फायदा मिलेगा, मजदूरों के हक के नाम पर सियासत कितनी जायज है, भारत बंद के बहाने क्यों जोर जबरदस्ती हो रही है, क्या भारत बंद लेफ्ट के सियासी जमीन को मजबूत करेगा। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज हम अपने एक घंटे के इस डिबेट में तलाशने की कोशिश करेंगे। चलिए गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूं। हमारे गेस्ट पैनल में आज मौजूद हैं बीजेपी के लीडर अनिल गोयल, जो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और कांग्रेस के लीडर हरीश भारद्वाज, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट संजीव कौशिक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार और वरिष्ठ पत्रकार अनिल मिश्रा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ हिंदू मजदूर सभा के महासचिव RP सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्काइप के जरिए हमारे साथ शिवसेना के नेता संजय द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, क्योंकि अनिल गोयल जी, ये जो बंद बुलाया गया और कहा जा रहा है कि बंद सफल भी रहा है, ये तो सरकार की नीतियों फैसलों के खिलाफ, हालांकि 10 ट्रेड यूनियन ने बंद बुलाया, लेकिन लगातार, चाहे हम रेलवे कर्मचारी की बात कर ले, बैंक कर्मचारी की बात कर ले, छात्रों की बात कर ले, सभी ने अपना सपोर्ट दिया। कैसे देखते हैं इसे, क्या अब वक्त आ चुका है कि सरकार को रुक कर सोचने की जरूरत है, जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं वो कितने सही हैं, क्या देश की जनता चाहती है? श्वेता जी, सही बात तो ये है कि बंद का कोई खास असर नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो बंद करने वाले हैं, और एक तरफ से हमारे कोई राजनीतिक भाई है, मैं TV पर देख रहा, आर्थिक मंदी का रोना रो रहे हैं। मैं ये बात नहीं समझ रहा कि एक तरफ वो बंद का समर्थन कर रहे हैं, एक तरफ आर्थिक मंदी का रोना रो रहे हैं। क्या बंद होने से आर्थिक मंदी खत्म हो जाएगी या आर्थिक मंदी और अधिक आएगी? जो ये मतलब सही मायनों में दो तरफ की बातें करते हैं। तो आपने भी तो दो तरफ की बात कही ना सर। नहीं, आप कह रहे हैं असर नहीं हुआ, फिर नहीं, आप कह रहे हैं कि बंद करने से आर्थिक मंदी कम होगी कि बढ़ेगी। मैं इक्वेशन समझा दीजिए। नहीं, मैं दो तरह की बात, मैं यही बात, नहीं बंद से असर आपको नहीं लग रहा है? अगर आज एक दिन के साथ अगर ट्रांजेक्शन और सब कुछ मिला ले, हम इस पर तो आए ही नहीं है कि करोड़ों के में नुकसान हुआ है कि अरबों में नुकसान। श्वेता जी, मैंने कोई खास असर नहीं रहा बंद का, लेकिन मेरा ये जो बंद का समर्थन कर रहे हैं और एक तरफ आर्थिक मंदी का रोना रो रहे हैं, क्या बंद करने से आर्थिक मंदी समाप्त हो जाएगी? क्या बंद करने जो मजदूरों को स्टेप उठाएंगे नहीं सर, तो क्या करेगी जनता? यही एक अधिकार मिला है श्वेता जी, बंद संविधान में तो यही एक अधिकार मिला है ना। संविधान में अधिकार है विरोध करने का, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि हम मिल बंद कर दें, बैंक बंद कर दें, इंडस्ट्रीज बंद कर दें। बंद करें, काली पट्टी बांध करके विरोध करें ना। विरोध करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन विरोध करके देश की उन्नति को रोकना, देश की प्रगति को रोकना, देश को आगे बढ़ने से रोकना, ये कहाँ का न्यायोचित बात ठहरी जा सकती है? आप ही इस बात के लिए बताएं कि जब हम देश के बारे में सोचेंगे तो देश की तरक्की तो जब ही होगी, सब लोग मिल करके उसमें काम करें। और अपना विरोध प्रदर्शन करने के तरीके और भी तो बहुत हो सकते हैं। आप कल काली पट्टी बांध कर विरोध करें, आप अधिक काम करके विरोध करें कि हमारा विरोध है 8 घंटे 10 घंटे काम करेंगे, देखो उस विरोध को जनता का समर्थन अपने आप मिलेगा। लेकिन ये आज ये ट्रेनें मान रोक दी गई, पब्लिक तो परेशान हो रही है, पब्लिक आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, जो ये दिखा रहे हमने ट्रेन रोक दी, हमने ये रोक दिया। अब जो रोकने वाली बात कर, उसमें परेशानी किसको हो रही है? परेशानी की बात कर रहे हैं अनिल जी, जिस पब्लिक की परेशानी की आप बात कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि वाकई इन मुद्दों पर पब्लिक भी चाहती है कि बात करें? रोजगार के मुद्दे पब्लिक से जुड़े हुए हैं, रोजगार हो, मंदी हो, बढ़ती महंगाई हो, सर अभी तक देख लीजिए प्याज के दाम नीचे नहीं आए हैं सर, तो ये तो डेली की ऐसी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं आम पब्लिक को श्वेता जी। लेकिन शायद उनके पास इतना भी वक्त नहीं है, 2 जून की रोटी कमाने के लिए वो सड़कों पर दौड़ते रहते हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं, कि वो शायद बंद को समर्थन देने में वो सड़कों पर नहीं उतरना चाहते, उनके पास इतना भी वक्त नहीं है, क्योंकि फिर वो घर का चूल्हा कैसे जलाएंगे? श्वेता जी मुझे ये बताओ ना, बंद करने से रोजगार आ जाएंगे? बंद करने से क्या, जो आप प्याज की महंगाई बात करो तो उससे प्याज की महंगाई घट जाएगी? कैसे जागेंगे? नहीं, जागने का मतलब उपद्रव करना नहीं है, जागने का मतलब अराजकता पैदा करने का नहीं है, जागने का मतलब यह कि आप अपनी बात कहें, आप अपनी बात कहें और विरोध का तरीका रखें। संजय जी, जिम्मेदारी बनती है तो सत्ता पक्ष को समझाने के लिए धरना प्रदर्शन बंद
की आवश्यकता बढ़ती है भाई। आज सर ये तोड़फोड़ नहीं करने से नहीं बनती, रोड जाम करने से नहीं बनती, पब्लिक को परेशान करने से नहीं बनती। संजय जी, संजय जी पब्लिक को परेशान करने से नहीं बनती। संजय जी पब्लिक को परेशान करने से नहीं बनती, आप रोड जाम करने से नहीं होती। आप ये जनता के हित में नहीं है, ये तो आप अपने राजनीति रोटी सेकने के हित के अंदर है। आप अपने राजनीति रोटी सेक रहे हैं। आप इस जनता का हित कहां से आ गया? आप भी अपनी बात करने से जनता का हित कहां से आ गया? आप भी दे रहे हैं, आपको भी दिया है। आज आपको कामयाब दिख रही है तो उसका भी करने से उसका भी तरीका होता बताने का। संजीव कौशल, संजीव कौशल सुना आपने पहले तो बेअसर बताया, फिर मंदी की बात भी करने लगे, मंदी बढ़ती है कि घटती है और गोलमोल जवाब। जब सरकार सुने ही नहीं, सत्ता के नशे में चूर रहे तो जनता क्या करे? या ट्रेड यूनियन की बात हो रही थी, लेकिन ट्रेड यूनियन के हड़ताल को पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि रेलवे कर्मचारी, बैंक कर्मचारी सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, 60 छात्र संगठन सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ताजुब इस बात से है कि अनिल जी बंद से क्या असर होता है सरकार के ऊपर, इतनी जल्दी भूल गए मात्र 6 सालों में? सत्ता के विरोध में यदि किसी भी तरह के विरोध के लिए या किसी भी मुद्दे पर असहमति के लिए जब लोग सड़कों पे होते हैं और बंद करते हैं तो उसका असर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। क्या सोच के आपसे पूछ के किया जाए, किस मुद्दे पर बात किया जाए? आप ये तय कर रहे हैं कि बंद सफल नहीं। और जिन लोगों ने बंद में समर्थन किया उन लोगों को आर्थिक नीतियों पर बात करने का कोई अधिकार नहीं, आप ये कहना चाहते हैं? इतनी जल्दी आप भूल जाएंगे? आपको याद नहीं है कि आपने कैसे सड़कों पर किस तरह का आंदोलन किया है और कब कब किया है? महंगाई के मुद्दे पर तो मैंने देखा है, इस देश की जनता ने देखा है कि गोद में सिलेंडर और गले में प्याज का माला लेके घूमती थी, वो अब कहाँ गई? आपसे तो उस तरह से कोई बंद ही नहीं कर रहा है जिस तरह से आप लोगों ने तांडव मचाया किसी जमाने में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये बंदी का असर जिसके बारे में हम लोग यहाँ तुलनात्मक बात कर रहे हैं कि ये बंदी सफल रहा या असफल रहा, आखिर बंद की नौबत आई क्यों? ये 10 यूनियन ट्रेड यूनियन की बात हो रही है, यदि सड़कों पर उतर गए तो कोई एक कारण नहीं था बंदी के लिए। कोई एक कारण की वजह से लोग सड़कों पर नहीं आए, विद्यार्थी अपने कारण से आए, मजदूर अपने कारण से आए, व्यापारी अपने कारण से आए, और सब लोग त्रस्त हैं। वो सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आपकी नीतियां गलत हैं, आप उस पर पुनर्विचार करें, हम बर्बाद हो रहे हैं, हम सड़कों पर आ गए हैं, हमारी कंपनियां बंद हो रही है, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, आप इस पर बात करें जी, मूल मुद्दे पर बात करें। और आप हमसे ये पूछते हैं कि बंद से क्या होने जाने को है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, एक बार बैठ के ये सोचने, इस विचार करने की जरूरत भी नहीं समझ रहे हैं कि आखिर हो सकता है कुछ गलत? अभी भी सरकार अपने जिद पे अड़ी हुई है। सरकार यह मानने को तैयार ही नहीं है कि आत्मघाती कदम जो उन्होंने उठाए थे पिछली सरकार के समय में, जो नोटबंदी के रूप में हो तो या फिर उसके बाद में जीएसटी के रूप में हो तो, व्यापारियों की जिस तरह से कमर तोड़ दी गई है, वो सड़कों पर आ गए हैं, निम्न मध्यम वर्ग के जो व्यापारी थे उनके बारे में अभी भी ये सोचने को तैयार नहीं है। कह सकते हैं कि हर कोई चाह रहा है कि वो रिवोल्ट करे, वो विरोध तो करे, लेकिन जब ट्रेड यूनियंस के द्वारा बुलाई गई बंद थी तो उसमें सभी ने समर्थन दिया कि क्योंकि सभी को कहीं ना कहीं ये चीजें इफेक्ट कर रही हैं, तो और इस आहट को समझने की जरूरत सरकार की। इस आहट को ये दरकिनार इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने मर्जी के मालिक हैं, जो चाह रहे हैं सो कर रहे हैं, हम आगे आगे चल रहे हैं, हमारे पास प्रचंड बहुमत है। ये यदि ऐसा सोच रहे हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार के लिए खतरे की घंटी है जिसको वो जानबूझ के नहीं सुनना चाहती है, भुगतना पड़ेगा सरकार। आरपी सिंह, आपने भी बंद को समर्थन, मतलब आप महासचिव हैं हिंद मजदूर सभा के, उसने भी सपोर्ट किया है इस बंद को। सर मांगे कुछ हैं आप लोगों की, उन मांगों को लेकर हुआ है, लेकिन जिस तरीके से समर्थन आप लोगों को और मिला, कैसे देखते हैं कुल मिला के? क्या सरकार की सारी नीतियों के खिलाफ है जो अभी ली गई है, या मुद्दा क्या है? देखिए, इस विषय में बड़ा क्लियर सी पोजीशन है कि सरकार अपने हर मुद्दे पर विफल रही है, कोई मुद्दा इनका सक्सेस नहीं हो रहा, हर मुद्दे को इधर उधर घुमाते हैं, हर बात पे झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का ठेका आजकल सरकार के लोगों ने ले रखा है। जहाँ तक सवाल मजदूरों का है, मजदूरों की स्थिति इन 6 सालों में बद से बदतर होती चली जा रही है। हमने बड़े संघर्षों के दौरान ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया था, जो अंग्रेजों के समय बना था, 1926 में बना था, वो इन्होंने पहले टर्म में 7 से बढ़ा के 100 संख्या कर दी। अब ये कह रहे हैं कि इसमें कोई बाहरी आदमी ट्रेड यूनियन में नहीं आएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि वो बाहरी किसकी तरफ ये इंगित कर रहे हैं, कौन आदमी बाहरी है जो ट्रेड यूनियन में आ रहा है? दूसरी बात ये कि कानून लेके आए हैं जिसको नीम के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं, वो पूरे भारत देश में, पूरे देश में वो लागू हो गया है। उसमें श्रम कानून नाम के जो हमारे कानून हैं, वो कुछ मजदूर पर कोई कानून लागू नहीं होता है। उसके बाद ये फिक्स श्रम लेके आ गए हैं। हमारे जो सोशल सिक्योरिटी के जो मुद्दे थे, जिसमें ESI थी, PF था,
अन्य तमाम जो होती थी हमारी नौकरी की गारंटी होती थी, हम निश्चिंत रहते थे कि हम जा रहे हैं, हमें नौकरी मिलेगी, हम बच्चों की फीस जमा कर पाएंगे, हम बच्चों के लिए खाना ला पाएंगे, सारी व्यवस्थाएं कर पाएंगे। ये गारंटी ये खत्म करने का काम करने शुरू कर दिया इन्होंने, तमाम कारखाने इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, जब इनकी पहली सरकार आई झांसी BHEL में कारखाने में हमारी रेल जो सड़कों पर दौड़ती है उसके इंजन बनाने का ठेका BHEL को दिया गया और कहा गया कि 10 इंजन के डिब्बे आप इंजन बनाइए जो कि ट्रायल के रूप में बनाए जाएंगे। हमारी BHEL ने वो 10 इंजन बनाए जो आपकी शताब्दी और राजधानी जैसी गाड़ियों में दौड़ रहे हैं। उसके बाद जब मोदी सरकार आई तो इन्होंने क्या किया कि वो सारा टेंडर उठा के एक जापानीज कावासा की कंपनी को दे दिया कि BHEL ठीक से नहीं बना पा रही है, आप जो है कावासा से बनवाइए। कावासा ने वही ठेका उसी BHEL को दे दिया कि आप इस इंजन को बनाइए, लेकिन उसने उसमें अपना प्रॉफिट काट लिया, उसने अपना कमीशन लिया जी, उस कंपनी ने अपना कमीशन लिया। हमारे जो सार्वजनिक उद्योग हैं वो हमारी धरोहर है, देश की धरोहर, देश की जनता के गाढ़े कमाई की वो मेहनत का पसीने का पैसा है जिससे वो धरोहर की गई बनाई गई हैं। उनको ये सबको बेच रहे सिर्फ इस बात पे कि साहब घाटा हो रहा है इसको बेच दो, ये घाटा हो रहा है इसको बेच दीजिए। लेकिन मजदूर संघ पर RP सिंह ये आरोप लगते आए हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां जो हैं उससे समर्थन देती हैं, और ये मेरे पास बयान है कोटेड सर, भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री विरजेश उपाध्याय ने कहा है कि आजकल ज्यादातर बंद मजदूरों की ओर से नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के बंद होते हैं, दलों से संबंधित मजदूर संगठन इस बंद को आहूत करते हैं, इससे श्रमिकों का कोई लेना देना नहीं होता। तो अब देखिए ये जो बोल रहे हैं, ये जो कोर्ट कर रहे हैं महामंत्री, इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि 2013 में जो भारत बंद बुलाया गया था 20-21 फरवरी को, उसमें भारतीय मजदूर संघ शामिल था सारे ट्रेड यूनियनों के साथ, उसमें इनको किसका समर्थन प्राप्त था? यही तो बात है सर, पॉलिटिक्स तो हो रही है, उसमें इनका किसको कितना समर्थन प्राप्त है। और जहां तक ट्रेड यूनियन की बात है, ट्रेड यूनियन कोई पॉलिटिक्स नहीं करती है, ट्रेड यूनियन प्योरली मजदूर की बात करने का काम करती है और मजदूर के हकों की बात करती है। मैं जानना चाहता हूं, इन्होंने अभी एक ट्रेन चलाई है तेजस, और ये कहते हैं साहब कि वो ट्रेन सबसे पहले पहुंचने का काम करेगी। मुझे बता दे सरकार कि कौन सा इन्होंने नया ट्रैक बना दिया, कौन सी इन्होंने वो रास्ता बना दिया, कौन सी इन्होंने वो व्यवस्था दे दी, हमारी शताब्दी को रोक देंगे, हमारी राजधानी को रोक देंगे और उसके बाद वो तेजस को लखनऊ पहले पहुंचाने का काम करेंगे, फिर कहेंगे कि रेल काम नहीं कर रही है, रेल घाटे में जा रही है। तो इस तरीके की व्यवस्था ये सारे, और दिन पर दिन नोएडा की स्थिति जहां हम लोग बैठे हैं, आप देखें कि GST और नोटबंदी के बाद फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड कारखाने 900 कारखाने क्लोज हुए हैं नोएडा में, और सिर्फ आप एक कारखाना लेके आए हैं जिसमें आप बड़ा खुश हो रहे हैं कि साहब हम रोजगार लेके आ रहे हैं। कौन सा कारखाना नोएडा में 6 सालों में कोई नया कारखाना आया हो मुझे बता दीजिए। अनिल मिश्रा जी, RP सिंह की जितनी बातें हैं गलत तो नहीं है, लेकिन मैंने भी जो कोट किया सर कि ये जो मजदूर संघ के भीतर भी ये चीजें देखने को मिलती हैं, और फिर जब आप बंद बुलाते हो तो ये लगता है कि वाकई में क्या मजदूरों की मांगों को उठाने के लिए यह बंद बुलाया गया है, या इसमें भी कहीं ना कहीं सियासत हो रही है, ये सवाल भी वाजिब है। नहीं देखिए, मजदूर संघ या मजदूर कहना क्या, वो हमसे आपसे अलग हैं, वो भी तो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, हमारे आपके समाज के मेंबर हैं, उनकी भी अपनी विचारधारा है, उनकी भी अपनी एक जरूरतें हैं, और वो जरूरतें कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र की जो व्यवस्था है हमारे देश में, सरकार और विपक्ष जो बनता है किससे बना है, राजनीतिक पार्टियों से ही तो बना है, और ये शिक्षित भी किए जाते हैं, आह्वान भी किए जाते हैं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किए जाते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य है अनिल गोयल साहब, माफ कीजिएगा, बहुत बुजुर्ग हैं और वरिष्ठ हैं, लेकिन इस तरह का आपका बयान सुना तो आश्चर्य सा हुआ। देखिए, जब आदमी की धैर्य उम्मीद टूटती है, विश्वास खत्म होता है, तब वो सड़कों पर आता है। 6 साल लगभग होने जा रहे हैं, ये वही मजदूर हैं, ये वही जनता है जिन्होंने मोदी जी और मोदी जी की पार्टी को सर पर बिठाया। एक बार नहीं, जब 5 साल काम करने का मौका दिया तो भी कोई जनता या ये मजदूर संघ संतुष्ट नहीं था, लेकिन इनके पास एक बहाना था या एक इन्होंने बात कही, हमें एक मौका और चाहिए, अगर आप दीजिए तो सारी समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। जनता ने इन पर विश्वास किया, लेकिन दूसरा टर्म जब शुरू होता है और जिस तरह से नतीजे आते हैं, देखिए इसमें मेन लड़ाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज की है, जैसा अभी बताया हमारे मजदूर संघ के जो महासचिव साहब हैं, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ विनिवेश के खिलाफ चल रही है। भारतीय में जहां मेक इन इंडिया का एक प्रोग्राम दिया गया, कार्रवाई उसके उलट हो रही, जिसका एक एग्जांपल उन्होंने बताया, मैं कहिए तो दसियों उदाहरण दे दूं कि जहां अगर कोई काम भारत में हो सकता है वो भारत में ना कराकर विदेशियों से कराया जा रहा है, विदेशी कंपनियों से कराया, तो ये किसका नुकसान हो रहा है? ये भारतीय मजदूर का नुकसान हो रहा है, भारतीय नागरिक का नुकसान हो रहा है, उन्हीं मजदूरों ने तो राष्ट्र खड़ा किया है। कहां बात करते हैं गोयल साहब आप,
आई बात राजनीतिक पार्टियों की, सियासत सियासत कहते किसको है, विपक्ष का काम क्या है? अगर जनता कहीं से परेशान होती है तो उसकी आवाज कौन उठाएगा? आखिर विपक्ष ही तो उठाएगा। और उस पर अगर सत्ता पक्ष ये कहता है कि विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही हैं, तो फिर इससे ज्यादा अफसोसजनक बातें क्या होंगी। लेकिन इसे दिखाया तो इसी तरीके से जाता है ना अनिल मिश्रा जी, कि इस पर सियासत हो रही है, विपक्ष जो है जानबूझ के उनके द्वारा समर्थित है ये बंद, और जो मेन मुद्दे हैं उससे कहीं ना कहीं फिर से ध्यान भटकाने की कोशिश कर दी जाती है। दो मिनट में इसको क्लियर कर देता हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 4 सालों से जिस तरह निरंतर गिरावट की तरफ बढ़ रही है, 2-3 साल आदमी ने धैर्य बना के रखा, लेकिन ये 4th साल जो पिछला 1 साल अपना कटा है, जिसमें त्रैमासिक रिपोर्ट आ रही थी एक के बाद एक, जितना नीचे हम चलते चले जाए, इसके पीछे भारत या कोई भी देश 3 चीजों पर चलता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है कंस्ट्रक्शन और एक होता है कृषि, जिसमें भारत कृषि, तीनों में आप देखें हम इस कदर नीचे गिर चुके हैं कि ये जो मजदूर आज सड़कों पर खड़े थे, ये सारे के सारे मजदूर 90% लगभग इन्हीं 3 विभागों में काम करते हैं, और उनकी गिरावट दर इस कदर हो गई है कि उन मजदूरों के पास 2 वक्त की रोटी कमाने का कोई साधन नहीं रह गया। अब वो मजदूर अगर इस सरकार की बातों पर विश्वास करती जो अभी तक करती आ रही थी, तो कहां तक करती आप ये बताएं? वो मजदूर अपनी आवाज उठा रही है, सरकार अपनी सत्ता के नशे में, बहुत खुलकर कह रहा हूं, इतना मदमस्त है वो, इनकी आवाजों को सुन ही नहीं रही है। और अगर वो सड़क पर आकर विरोध करती है और सत्ता पक्ष के हमारे गोयल साहब अगर ऐसा कहते हैं कि देश के विकास में बाधक बन रहा है, तो गोयल साहब आपको याद दिला दे, सड़क तो छोड़िए, पूरी 1.5 महीने आपकी पार्टी ने पूरे के पूरे पार्लियामेंट को कैप्चर किया था, 1.5 महीने चलने नहीं दिया था, वो भी ध्यान याद रखिए। प्याज, एक मिनट में कह दूं, ये वही प्याज है जिसका मैं वर्णन नहीं करना चाह रहा था। आज के हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या बयान दिया था, शायद आपने जरूर सुना होगा कि प्याज गरीबों का रोटी और प्याज सबसे मार्मिक खाना होता है, उस सरकार ने इसको भी छीन लिया, आंसू नहीं अब किस तरह और उसके बाद उसी सरकार की मंत्री निर्मला सीतारमण ये कहती हैं कि मैं तो प्याज नहीं खाती। 1 महीने, 1 हफ्ते के अंदर ये समस्या दूर हो जाएगी। 2 महीने से ज्यादा हो गया, लाखों टन प्याज आयात कर ली गई, लेकिन आज भी जनता सोचिए, आज भी खबर ये थी सर, आज भी ये खबर थी कि उसे जनता तक पहुंचाना कैसे है, हमने बाहर से तो मंगा लिया लेकिन अभी तक पहुंचाना कैसे, इसी पर बातचीत चर्चा चल रही है कि 50 रुपए किलो प्याज मिले, लेकिन आप मार्केट में जाइए 100-120 से कम आज भी प्याज नहीं मिल रहे हैं। अनिल गोयल जी, जवाब है, अब ये मेरे शब्द नहीं है, आपने एक्सपर्ट्स की बात सुन ली, आप कह रहे हैं कि बंद का कोई असर ही नहीं, ये विपक्षी पार्टियां बस इन्हीं की राजनीति है। श्वेता जी, मेरी बात, मैंने जो कहा है, मैंने ये कहा है कि विरोध का तरीका दूसरा हो सकता है, बंद करने से, अभी जो हमारे जो सारे वक्ता हैं जिन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी की बात कर रहे हैं, अगर बंद करेंगे तो और अधिक आर्थिक मंदी आएगी, और अधिक देश की तरक्की रुकेगी। मैंने ये कहा है कि अगर आप सर अनिल मिश्रा जी, आपके बीच में रोक रहा हूं, अनिल जी प्लीज, एक मिनट आपके बीच में रोक रहा हूं, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला था ना, आपने, मैं मानता हूं आप वरिष्ठ हैं, मैं प्लीज एक मिनट एक बात कह दूं फिर आप बोलें, प्लीज आप वरिष्ठ हैं, इजाजत दे दे, आपकी बात मैं समझ रहा हूं। अगर नोटबंदी के बाद विरोध होता है आपकी जीएसटी का विरोध नहीं था, जीएसटी की उस प्रणाली पर विरोध था, या उसके बाद जितने विनिवेश के आपके कार्यक्रम डिक्लेयर हुए, जब जनता आवाज उठा रही है, अगर आप उसको नहीं सुन रहे हैं, तो क्या आपका जो एक सजेशन है काली बट्टी, अगर वो चिल्ला रही है आप नहीं सुन रहे हैं, तो काली पट्टी देखकर सरकार खोलेगी? अगर वो धरने पर आके बैठ रही है तो भी सरकार के आंख नाक कान नहीं खुल रहे हैं, तो आखिर वो तरीका आप बता दें कौन सा है जिससे सरकार की आंख खुल जाएगी, जब आपके सारे के सारे सरकारी आंकड़े, ये भी नहीं जनता के, आपके मुंह पर तमाचा मार रहे हैं, उसके बावजूद आप कर रहे हैं विरोध किसी दूसरे ढंग से होना, आप वो तरीका बताएं, जनता आपको फॉलो करेगी। खतरे की घंटी है सर, आपको ये सुनाई नहीं दे रही। मिश्रा जी, मुझको, मैं जो आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताएं कि क्या बंद होने से, क्या सड़कें जाम होने से, क्या जनता के परेशान होने से आर्थिक मंदी खत्म हो जाएगी? आज हम आर्थिक मंदी की बहुत अधिक चिंता कर रहे हैं, और जब बहुत अधिक चिंता करते हैं, उस चिंता को हम भी, हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है, नहीं बनती है। मैंने विरोध का मने नहीं करी, विरोध के तरीके भी और बहुत हो सकते हैं, और उन तरीकों से अच्छा, दूसरी बात एक अभी हमारे आरपी सिंह जी ने कहा कि झूठ बोलते हैं, मैं कहना आरपी सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, कहाँ झूठ बोला ये तो बता दो। हाँ, मैं बताता हूँ सर, आरपी सिंह से जब आप बता देना सर, आरपी सिंह ने बताया कहाँ झूठ बोला, झूठ बताया। और जो रेल की बात, बाकी तो हरीश जी बैठे हैं उस काम की, रेल की बात करी है जी, रेल में कितनी तरक्की हुई है, और आज रेल की जो स्पीड बढ़ी है, कहीं ना कहीं कुछ, देखो जो पुराना डर रहा है, वो पुराना डर रहा है, 1 मिनट में ठीक नहीं होने वाला,
उस नर्रे में कितनी तरक्की हुई है, यही बोल कर तो, यही बोल कर तो जनता ने आपको वोट किया ना सर। श्वेता जी, लेकिन इसी बदलाव के लिए जनता ने वोट किया। अब आप आके कह रहे उनको दिए 60 साल, हमें भी दो 60 साल, पहले ही बोल देते ना सर कि हमसे नहीं हो पाएगा। जी मैं ये कह रहा हूँ कि आज 2014 की रेल में, 2013 की रेल में और 2019 की रेल में कितना अंतर है, 2024 की रेल के अंदर कितना अंतर है। अनिल सर हरीश जी बता देंगे, हरीश जी आज मैं मूड बन गया हूँ, हरीश जी बता देंगे ये कहां पक्ष का है। और हरीश जी कहां झूठ बोलती है सरकार, कितनी खामियां रह गई, कहां कहां काम नहीं हुआ, किन मुद्दों पर सरकार आई और उन मुद्दों पर अब ध्यान नहीं दिया जा रहा। अनिल गोयल साहब गिनवाइए जरा, अनिल गोयल साहब सबसे पहले आप थोड़ा दो मिनट का मुझे समय दीजिए। इस भारतीय जनता पार्टी का एक नियम था, एक नीति रीति थी कि हम FDI का विरोध करेंगे और आज की स्थिति ऐसी है कि 100% न केवल खुदरा क्षेत्र में बल्कि बहुत सारे क्षेत्रों में इन्होंने FDI को लागू कर दिया। सबसे बड़ा झूठ इस देश की जनता के साथ बोला गया। दूसरा झूठ, इन्होंने यह कहा था कि जो सार्वजनिक उपक्रम है, जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम हैं उनको हम प्रॉफिट में लाने की कोशिश करेंगे। आज 5 के 5 जो बड़े सार्वजनिक उपक्रम थे, जो सरकारी संस्थान थे, उनको बेचने की पूरी तरह तैयारी कर ली गई है। एयर इंडिया को की बोली लगने का काम शुरू हो गया है, BHEL का शुरू हो चुका है और जो शिपिंग कॉर्पोरेशन था उसका शुरू हो चुका है, रेलवे का निजीकरण की बात चल रही है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरतला को इन्होंने बेच दिया है। बहुत सारे ऐसे जो संस्थान थे उनको एक एक कर ये बेच के जा रहे हैं और बेचने के पीछे रीजन समझिए श्वेता जी, जिस प्रकार से 6 वर्षों के अंदर इन्होंने देश की जो GDP थी वो 8% से गिराकर, आंकड़ों की हेरा फेरी करने के बावजूद भी आज वो 4.5-5% पर आ गई है। जो कृषि क्षेत्र था वो 1.9% पर आकर टिक गया है और जो औसत आय थी, जो मनुष्यों की औसत आय थी, वो कम कर दी इस हिंदुस्तान की। तो जिस प्रकार से इन्होंने आर्थिक मंदी के दौर में इस देश को चपेट दिया है और उस आर्थिक मंदी की चपेट में पूरा भारत इस वक्त आ चुका है, वहां पर बेरोजगारी 45 वर्षों में चरम पर आ चुकी है, देश पूरी तरीके से इस वक्त बहुत त्रस्त हो चुका है, लोगों के पास खाने के लिए साधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, रोजगार के साधन नहीं मिल रहे हैं, जो व्यापारी हैं उनको पूरी तरीके से उन्होंने GST के मकरजाल में फंसा दिया है। तो कहीं ना कहीं पर ये बिल्कुल सिद्ध है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है ये पूरी तरह विफल, असफल और आर्थिक मोर्चे पर देश को घोर घोरतम संकट में इन्होंने डाल दिया है और इस घोरतम संकट को निकालने के लिए ये कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, ये सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, देख लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक पॉइंट तरह तरह की बातें करके इस देश के लोगों का सवाल कुछ आपसे भी भटका रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस भारत की इज्जत को रख लीजिए, यहाँ के लोग बहुत परेशान है, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आप कोई ना कोई ऐसे, आप देखिए रखी थी 5-5, 6-6 रिजर्व बैंक के गवर्नर ने हटा दिए क्योंकि इनकी बात नहीं मानी। बट हरीश जी आप क्यों विफल रहे 2019 में, सभी तो लामबद हुए थे, फिर इस जनता को क्यों नहीं बता पाए। हाँ, श्वेता जी मैं बताता हूं, रोटी कपड़ा और मकान ये आधारभूत चीजें हैं सर, लेकिन आप पूरी विपक्षी दल, यहाँ बैठा कोई पैनलिस्ट इस बात से इनकार कर दे, सभी आज यहाँ बैठे एक्सपर्ट्स कहेंगे कि सत्ता पक्ष की पहली ड्यूटी बनती है तो सवाल तो सत्ता पक्ष से होंगे, लेकिन आपके ऊपर सवाल नहीं उठेंगे 2019 में आप क्यों फेल हुए, आप पहले की सरकार को अगर कोस रहे हैं तो आप क्यों फेल हुए। हाँ, मैं आप क्यों नहीं आए, उसको फेल होने के पीछे भी कारण बताता हूँ। देखिए इस सभी लामबद हुआ था, इस देश की जनता बहुत भोली भाली है, उस जनता को ऐसा महसूस हुआ था कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से दिवा स्वप्न दिखाए थे कि 15 लाख रुपए मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, समझना आप लोगों को भी है कि मुद्दों को उठाना कैसे है, जिस प्रकार से चूंकि हमारे भारत की जनता बहुत प्लीज जनता भोली भाली नहीं है, यही तो बात है सर, जनता भोली भाली नहीं है, बटन दबा के बता देती है, झारखंड का इलेक्शन बता दिया, जिनको आप कहते हैं ना आदिवासी है उन्हें भी बटन पता है सर, जनता भोली भाली नहीं है, जब बताना होता है तो बता देती है। अब ये देश की जनता समझ गई, जान गई, आज हरीश जी के पॉइंट गिना रहे हैं, मैं कोई भी पॉइंट से भाजपा के विरोध में पूरी तरीके से लामबंद हो चुकी है, खड़ी हो चुकी है और उसको बिल्कुल विस्तनाबूद कर, ये जो एक एक पॉइंट हरीश जी ने गिनाया गलत नहीं है, पॉइंट है, मुद्दे हैं, उठने चाहिए और सत्ता पक्ष में सरकार है तो सवाल तो उन्हीं से उठेगी, अगर मंदी का दौर से गुजर रहे देश, अगर रोजगार नहीं है तो सारे सवाल सत्ता पक्ष से, लेकिन 2019 का चुनाव जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए, क्यों जब तमाम पार्टियां लामबद थी इन मुद्दों को जनता के बीच नहीं ले जा पाई, क्यों
जनता ने नकार दिया तमाम विपक्षी पार्टियों को और सत्ता पक्ष में बैठी पार्टी को फिर से सत्ता में लेकर आई। हालांकि ठगी तो जनता ही गई है, क्योंकि ना इधर से कुछ मिल रहा है ना उधर से। देखिए जवाब दे ले सर। मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि विपक्ष फेल हो गया, ये मान लीजिए कि सत्ता पक्ष ने अपनी दोबारा विश्वास किया और अपने कार्यकाल का भरोसा दिलाया। आज हम जिस बात पर बहस कर रहे हैं, जिस बंद को लेकर के, देखिए ये बंद अचानक नहीं हुआ। ये बंद, इस बंद को देने से पहले सरकार से बातचीत की गई, नोटिस दिया गया, 2 जनवरी को भी श्रम मंत्रालय से जाके ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस मिले। सरकार को पता था कि बंद होने जा रहा है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। इसलिए बंद के लिए जिम्मेदारी बंद करने वालों पर न दी जाए, ये मैं कहता हूँ। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको पता था कि ये बंद होने वाला है, उनसे बातचीत की गई, उनको नोटिस दिया गया, उनसे आखिरी बार भी मिले, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी। जो मुद्दे हैं, जो ट्रेड यूनियन के जो सारे मुद्दे जिनकी चर्चा मजदूर नेता के तौर पर इन्होंने की है, तो वो सारे मुद्दे लगातार उठाए जाते रहे। और बंद के विरोध में बोलने वाले लोग, अब अगर बंद नहीं होता तो क्या इस देश में न्यूनतम मजदूरी रिवाइज होती? क्या जो वेतन पुनरीक्षण का जो नियम चल रहा है, हर 5 साल में जो वेतन पुनरीक्षण हो जाता है, वो क्या बंद के बगैर हुई? जितने भी ट्रेड यूनियन अधिकार हैं इसी बंद के जरिए हासिल किए गए हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि वही राजनीतिक दल जो बंद का लगातार उपयोग करते रहे, और जब सत्ता में आते हैं तो बंद के विरोधी हो जाते हैं। आप देखिए, इन्होंने ठीक उदाहरण दिया, भारतीय मजदूर संघ भी बंद में शामिल रहा। तो सवाल यह कि बंद राजनीतिक अधिकार, यह जरूर सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बंद को, हड़ताल को गलत ठहराया है, ये बात सच है। लेकिन सच होने के बावजूद यह सबसे बड़ा सच यह है कि जब जनता के पास कोई रास्ता नहीं दिखता है तो बंद ही एकमात्र रास्ता होता है। कोई कानून नहीं, कोई सरकार नहीं, फिर वो बंद ही एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता बच नहीं जाता है। जो परिस्थितियां, जिनका आर्थिक जो जिक्र आया, जो हमारे पैनलिस्टों ने जिक्र किया, वो परिस्थितियां लगातार बता रही हैं कि जनता पर जो है टैक्स बढ़ रहा है, जनता पर महंगाई झेल रही है, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, यानी स्ट्रेस जो है जनता पर लगातार जा रहा है। मजदूर अधिकार में कटौती हो रही है, विनिवेश हो रहा है, बाहर से पूंजीपति आए, इसके लिए मजदूरों के अधिकार छीने जा रहे हैं। तो इसके लिए आवाज उठाने का काम जो राजनीतिक दलों को, बाहर जाते हैं तो बाहर की कंट्रीज से पैसे कमा कर आते हैं, यहाँ के लोगों की आउटसोर्सिंग बाहर होती है, वहां जाते हैं। आपका किसी भी कंट्री में उठा के देख लीजिए, आपको भारतीय जो मिलेंगे वहां भारतीय मजदूरों की डिमांड है, लेकिन अपने यहाँ ही सरकार इनको साइडलाइन करके चल रही है। हमारे यहाँ आज भी मजदूर सस्ते हैं, तभी आउटसोर्सिंग हमारे यहाँ से होती है, हमारे सस्ते हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? देखिए, हम अपनी फेल्योर को छुपाने के लिए, हम देखिए निवेश नहीं आया। निवेश क्यों नहीं आया? क्योंकि इस देश में माहौल नहीं है निवेश का, डर का माहौल है। कहीं आप देखिए, औद्योगिक शांति इस देश में लंबे समय से बनी हुई है, कितने दिनों बाद ये बंद का आयोजन हुआ है, लेकिन दूसरे किस्म की अशांति ने इस देश में निवेश को रोका है। मजदूरों की तरफ से कोई अशांति पैदा नहीं हुई है, ये बात माननी पड़ेगी सारे दलों को। आज अगर बंद कर रहे हैं तो आप उसको सैल्यूट करिए कि समय के बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी। देश का माहौल जो भी बन जाता है उसके लिए भी लोग सोचते हैं बाहर से आते हैं तो कि इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। कि नरेंद्र मोदी जी की सर पिछले दिनों से जो आर्थिक जो मंदी का दौर है उसमें हिंदुस्तान का 3 लाख करोड़ रुपया भारत की जनता का नुकसान हो चुका है, और ऐसी परिस्थिति में जबकि आप जो है बैंकों का, अब वो बचने के लिए बैंकों का मर्जर कर रहे हैं, बैंक करप्ट होने के कगार पर आ गए, अपने दोस्तों का आप 10 लाख करोड़ रुपया 10 लाख करोड़ रुपया आप माफ कर देते हो, और गरीब मजदूरों के पेट बड़े बड़े लोगों के बैंकों में लोन देकर के जमा करके बैठ रहे हैं। तुम्हारे टाइम के लोन दिए हुए हैं जिसका आज खमियाजा देश को उठाना पड़ रहा है। लोन आपके टाइम में भागा है, आप तो आपने विजय माल्या लोन किसने दिया? विजय माल्या को लोन किसने दिया? उनको आपने 70 साल के अंदर सारे बैंकों
फोन कर करके फोन कर करके अपने लोगों को तो वोट लगाए। आज 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 वो भागने को तैयार है। गरीब जनता तब भी गरीब थी जब 1947 में हम आजाद हुए थे, आज भी गरीब है। उन्हीं गरीब जनता का हवाला दे दे के आप पार्टियां सियासत करती हैं, गद्दे पे बैठती हैं। उस वक्त ऐसा कानून ऐसी चीजें नहीं बनाई जाती जो हमारे हितों के लिए हो। उस समय चीजें वो होती है जो आपके हितों के लिए। अनिल जी और हरीश जी, अनिल जी और हरीश जी प्लीज प्लीज, अनिल जी और हरीश जी बताओ, अनिल जी और हरीश जी चंद्रशेखर की सरकार तो समर्थन किसका था? समर्थन किसका था? अरे सर, अरे समर्थन हो गए आप जिसको समर्थन समर्थन हो गए। आज भी भूख मरी से लोग मर रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए देश की दो बड़ी पार्टियों को। शर्म आनी चाहिए सर। यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया आपको, तब फेंके जा रहे हो। जो आपने चांद पर ले गए, यहाँ पर लेकर आकर खड़ा कर दिया, यहाँ तक ले आए सर। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब हर हाथ में तलवार दिखेगी। अब यही चाहते हैं सर, अब यही चाहते हैं जेएनयू जैसे गुंडागर्दी पूरे देश में देखने को मिले। अनिल जी और हरीश जी, रिक्वेस्ट 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 सर, एक मिनट। 1947 में भी राजीव गांधी ने ही शायद कहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, केंद्र से चला इतना एक रुपया अगर 10 पैसा भी पहुंच जाए। ये किसका कथन है सर? अनिल जी, नहीं नहीं, एक मिनट अनिल जी, शायद मैं गलत नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अनिल जी ऐसा ही था ना, राजीव गांधी ने ही शायद कहा था कि अगर ये गरीब तक इतना भी पहुंच जाए तो उत्थान हो जाए। वो 1947 से आज तक सर 2019 हम कहां आ चुके हैं, खड़े हैं, लेकिन आज भी आप लोग का नहीं सर, पैसे छोड़ दीजिए, हम देश तो आजाद हुआ ना सर, तब जब आजादी मिली तब भी गरीब एक वर्ग एक तबका ऐसा था जिनके पास आधारभूत चीजें नहीं थी, रोटी कपड़ा और मकान ये जरूरत थी। आज भी उसी मुद्दे पर अगर मजदूर अगर ट्रेड यूनियन सड़कों पर हैं तो शर्म तो तमाम पार्टियों को आनी चाहिए कि आप लोगों ने किया क्या, क्यों ये नौबतान पड़ी। सोने की चिड़िया कहा जाता था देश, कहां गई वो चिड़िया? कांग्रेस और बीजेपी अगर खाया तो दोनों ने खाया, तो तमाम पार्टियों ने। और आज आप उसी गरीब जनता का हवाला दे रहे हैं। संजय द्विवेदी, हमने बनाया और आप बेच रहे हो लोगों को। चलिए, बहुत बना लिया। अमेरिका और चाइना की तुलना कर रहे थे, आप पाकिस्तान के पास लेके खड़े कर दिया। आप भ्रष्टाचारी बात करो, पाकिस्तान के आगे तुम घबराते थे, फिर सियासत हो गई। संजय द्विवेदी, संजय द्विवेदी आपने भी आपकी पार्टी ने भी समर्थन किया है जब आप निक्कर पहने वजह क्या है सर? देश में दो टुकड़े कर दिए। आपने पिछले कार्यकाल की भी बात मुख्यमंत्री के सामने में उठाया गया, कुछ नहीं किया है तुमने, सिवाय देश में बंटवारे के अलावा दूसरा काम दर्शकों को आप लोगों ने जब आप लोग समझ रहे थे तब हमने उस देश के दो टुकड़े कर दिए, आज तुमने लाकर के बराबर हमको खड़ा कर दिया। ये बहुत बहुत अच्छी तस्वीर जा रही है सर, बहुत अच्छी तस्वीर जा रही है, क्योंकि हम यही चाहते थे। बंद पर सियासी जंग हमें दिखाना था, बंद तो छोड़ दीजिए, बंद साइडलाइन हो गया। ये सियासी जंग जो दिख रही है ना, बस यही सच्चाई है, यही यथार्थ है। आप मान लीजिए कि सभी पार्टियां सियासत करेंगे, आपके हक की बात कोई नहीं करेगा। बैठ के बोल रहे हैं कि हमें ये चाहिए, लेकिन सुनना नहीं है। संजय द्विवेदी, अरे रिएक्शन सर, रिएक्शन अरे वो आपके समर्थन में बोलेंगे हरीश जी, वो आज तो आपके समर्थन में बोलेंगे। संजय द्विवेदी, आप तक आवाज पहुंच रही है? थोड़ा जी, आज भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार में चूर है। 3-3 सीटें सर मिल गई उनको, तो लग रहा है उनको कि वो सब उनके अलावा कोई इस देश में है ही नहीं। कल तक आप बीजेपी के साथ ही थे, जितने मुद्दे उठाए गए हैं बीजेपी के साथ ही थे, आज तुम्हें क्या हो रहा है? कौन सी गंगा जी बना लिया आप? भी भ्रष्टाचार के मामले में जितने मुद्दे उठाए गए हैं, चाहे वो आर्थिक मंदी हो, चाहे जरा शिवसेना को याद है वो मुद्दे, हमें भी पता चले, हमारे पैनलिस्ट को भी पता चले कि वो मुद्दे याद है। हरीश जी, हरीश जी इतने कम दिनों में इतनी गहरी दोस्ती, इतने कम दिनों की इतनी गहरी दोस्ती। लड़ते नहीं सर, आज मजदूरों के साथ साथ इस देश के इंजीनियर, इस देश के और जो लोग हैं
कौन से भ्रष्टाचार की योजना बनाई है ये तो बता दो। ये ड्राइव तो रात में क्या परिवर्तन हो गया? सत्ता सुखा ने भोगा नहीं भोगा? आप सत्ता के साथ थे या नहीं थे? आप उस टाइम अगर आपने ये सब गलत की दिया थी, आप पहले बाहर क्यों नहीं आए? आज आपको आज क्या हो रहा है? बाहर क्यों नहीं आए? सिर्फ हमें मुख्यमंत्री बना दो, हमें मुख्यमंत्री बना दो, जिसका जोड़ तोड़ करके जिसके विरोध में चुनाव लड़ रहे हो, जिसके विरोध में चुनाव लड़ रहे हो, उसका मुख्यमंत्री बना दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी ने दिया था, नरेंद्र मोदी ने सत्ता में दिया था कि अगर कोई गलती निकल जाए तो मैं चौराहे से बुला लेना भारत की जनता। दिनों से हमें मुख्यमंत्री बना दो। क्या वो अपने वायदे पर खड़े उतरेंगे? क्या वो देश की जनता को बताएंगे कि डिमोनेटाइजेशन से फायदा हुआ है नुकसान? अगर आप सोचिए खाकर मिल जाए, अरे संजय द्विवेदी जी अपने गृहवान में झाको, इतना सत्ता के लालच में मत बनो, इतने सत्ता के लालची मत बनो और गलत को गलत कहना सीखो, सत्ता के लालची मत बनो। कल तक आप हमारे साथ मालपुए खाए थे, आज हम वहाँ पर जाने के बाद में आप ये बात कर रहे हैं, मालपुए खाते हैं आप, इसके बाद हम ये बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए हमें समर्थन दे दो, हम मुख्यमंत्री बनना ही है ना। ये देखिए हम सियासत पे यही बात कर रहे हैं कि आज जो बंद बुलाया गया, मतलब मजदूर थक गए हार गए, और जैसा प्रेम जी ने कहा कि नोटिस भी दिया होगा, बात भी किए, जाकर देखे जब कोई रास्ता नहीं बचा तब बंद का आह्वान किया गया। एक मिनट हरीश जी, लेकिन संजीव जी ये देखिए विडंबना, संजय द्विवेदी यहाँ आरोप लगा रहे बीजेपी पर और हरीश जी उनको सपोर्ट कर रहे कि नहीं उन्होंने तो हमेशा बोला है, ये इतनी जल्दी दोस्ती और इतनी गहरी दोस्ती, ये क्या है? ये सत्ता साथ नहीं है तो और क्या है? देखिए ये सत्ता का वो विद्रूप चेहरा है जो बात बात में खुलकर सामने आ गई और लोगों ने देख लिया कि ये सत्ता को मलाई मारने और मलाई बांट के खाने की बात करते हैं आपस में। मतलब यही है मेन मुद्दा, मेन बात ये है कि भले सरकार के साथ बैठे 10 लोग मिलकर कह दें कि सारी चीजें ठीक है, सब कुछ दुरुस्त है, हम भी मान लेंगे, देश की जनता भी मान लेगी, लेकिन बाहर से निवेश तब आएगा जब निवेश करने वाले को इस बात का यकीन हो कि हम पैसा लगाएंगे, हमें उससे मुनाफा होगा, यहाँ आएंगे, हमारे काम धंधे ठीक ठाक चलेंगे, फिर वो निवेश करेगा और लोगों को रोजगार मिलने की बात होगी। माहौल और वातावरण भी, हाँ बिल्कुल वही चीज मैं कह रहा हूँ। और दूसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चीज भूल रहे हैं कि आने वाले 20 सालों के बाद में जब इतिहास पढ़ाया जाएगा तो उस समय ये कहा जाएगा कि एक ऐसी भी सरकार थी जिससे जब हम शिक्षा की बात करते थे तो वो कहती थी कि नहीं हमने मंदिर के रास्ते प्रशस्त कर दिए, जब स्वास्थ्य की बात करते थे तो वो कहते थे कि पाकिस्तान को हमने सबक सिखा दिया, जब आपसे मूलभूत सुविधाओं के बारे में बात करते थे तो ऐसे राष्ट्रवाद की लहर आप चला देते थे जहां सब कुछ गौण हो जाता था। क्षणिक राजनीति तो हो सकती है लेकिन ये दीर्घकालिक राजनीति नहीं हो सकती है, भेद खुल जाना है स्वाभाविक रूप से और लोग आपसे सवाल पूछेंगे, भले आपको कड़वा लग रहा हो लेकिन लोगों ने, ये पिछली बार से ही आपको सवाल मिलने शुरू हो जाते, लेकिन विपक्ष की एकता नहीं थी उस समय, भगवान जाने कई बार ऐसे होते हैं कि एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाते हैं वो, लेकिन अब सवाल शुरू हो गए हैं सर। या तो आप देखिए चाणक्य नीति तो यही कहती है कि आप हर तरह साम दाम दंड भेद चीजें अपनाई जाती हैं, और बीजेपी ने शायद ये राष्ट्रवाद का जो आप मुद्दा कह रहे हैं ये शायद स्ट्रेटेजी थी बीजेपी की कि कहीं भी कोई मुद्दा उठे तो राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा दो। शायद इसी भोली भाली जनता का जिक्र हरीश जी कर रहे हैं क्योंकि जब देश का इमोशन हाई होता है आप उस पर वोट करते हैं, लेकिन यहाँ विपक्ष का फेलियर था कि आप उन मुद्दों को नहीं लिया। दरअसल क्या है, जब जब भी भारतीय जनता पार्टी से कोई मूलभूत समस्याओं के बारे में देश की जनता सवाल करती है तो वो भावनात्मक और मानसिक रूप से ऐसे मुद्दे को उसके सामने खड़ा कर देती है, चाहे वो जैसे ही हम पूछेंगे शिक्षा की बात वो करेंगे गाय की बात, हम बात करेंगे स्वास्थ्य की बात वो करेंगे देशभक्ति की बात, हम कहेंगे कि भाई हमारे 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 रोजगार का क्या किया वो पाकिस्तान की बात शुरू कर देंगे, तो वो मंदिर की बात आपके टाइम में कितने कर्फ्यू लगे, वो आवरण इतना बड़ा होता है कि आप लोग सब ढक जाते हैं, आपके टाइम में कितने झगड़े हुए, नहीं नहीं वो आवरण इतना बड़ा होता है कि आप लोग झगड़े नहीं हुए उसके भीतर ढक जाते हैं, भ्रष्टाचार के अंदर और आज आपको खड़े कर देते हैं, आज आपकी
सोनिया गांधी, आप आपके राहुल गांधी जमानत के अंदर बाहर हैं, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की जमानत के अंदर बाहर हैं, जो आदमी भ्रष्टाचार में जमानत के अंदर बाहर है वो आदमी यहाँ पर बात करेंगे। हरीश जी मछली की आंख कहाँ है? मछली की आंख कहाँ है? आप अगर आंख के साथ साथ पेड़ भी देख रहे हैं और पेड़ के पत्ते भी देख रहे हैं और मछली भी देख रहे हैं तो मछली की आंख को निशाना नहीं बना पाएंगे। आपको शील्ड पता है कहाँ है, लेकिन उसमें आप फंस रहे हैं, उसमें आप फंस रहे हैं। एक रुपए में 85 पैसे भ्रष्टाचार करने वाले आदमी, एक मान लीजिए क्या मांगे हैं सर? सर सामने बताइए कि ये मांगे हैं। अनिल जी सामने बैठे हैं, क्या सरकार मानेगी? सोना गर्मी आप रखवाते हो, चलिए बंद, आप चीजें बेचते हो, ये 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 बात मुझे एक बात नहीं। आपने अनिल जी अपने अपने प्रश्नों का उत्तर ले लें, अनिल जी अपने प्रश्नों का उत्तर ले लें। सर मैं इनसे मांग रहा हूँ ना सर, मैंने आपने उनको छोड़िए सर, आज तो मांगे इनकी, आप मेरे से उत्तर ले लें, आप मुझसे उत्तर ले लें और हमारी मांगे सुन लें। पूरी कर रहे हैं आप, पूरी कर रहे हैं। आरपी सिंह जी मुझे, मैं अभी जो थोड़ी देर के लिए बैठ कर रहा, अभी हमारे भाई ने कहा कृषि क्षेत्र में मैंने आज कृषि क्षेत्र बढ़ा या नहीं बढ़ा? आज कृषि मैं बता देता हूँ, आप इस पर भी बता देता हूँ, बढ़ा है। अरे सर आप अध्ययन करिए, मेरा अध्ययन करके मैं बता रहा हूँ, मैं आप कृषि क्षेत्र नहीं बढ़ा है, सब हुआ है, कम हो रही है, कृषि क्षेत्र कहाँ बढ़ रहा है, मजदूर की संख्या बढ़ रही है। आप मुझे एक बात बताएं, मरने की दर है, आत्महत्या की दर है, वो 45% बढ़ी है। अरे आपके आपके टाइम में सब कम हो रहे हैं जी। और दूसरी में एक बात और, मेरे प्रेम अरे सर आज तो बंद है ना, बंद में कुछ मांगे हैं आप, बोलिए ना कि पूरा कर रही है सरकार मांग। मुझे आज मुझे ये बताएं, करोड़ों और अरबों में नुकसान हुआ है, क्या हम सरकार को नहीं पता है? सर आंकड़े निकाले हैं, मुझे मुझे ये बताओ क्या बंद होने से विकास दर बढ़ जाएगी? आप जो बंद को बढ़ावा दे रहे हैं, आप जो बंद को, आप जो बंद को बढ़ावा दे रहे हैं, सुनेंगे बंद को बढ़ावा देने मतलब आपने कहा कि हम कानून को सख्ती से लागू करेंगे, आपने श्रम कानूनों को खत्म करने का काम किया, आप खत्म करते जा रहे हैं कानूनों को लागू करने की बजाय, जो लागू करने चाहिए थे वो खत्म कर रहे हैं। अरे लोकपाल नहीं बना, आप कह रहे हैं, सुनिए सर लोकपाल, लोकपाल रुक जाइए सर, आपने कहा कि मैं रोजगार बढ़ाऊंगा, बढ़ाने की बात छोड़ दीजिए, रोजगार खत्म होते जा रहे हैं। आप एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में बैठे हैं, यहां इंडस्ट्री दिन पर दिन चौपट होती जा रही है, इंडस्ट्री यहां की बंद होती चली जा रही है। आपने कहा कि हम बेज बढ़ाएंगे 7600, 7800, 9800, 9200 रुपए उत्तर प्रदेश का बेज है। अनिल जी जिस शहर में आप बैठे हैं बताइए 10,000 रुपए में कोई गुजारा कर सकता है? आप ईएसआई के अस्पताल दिल्ली में जाके देखिए, 10 लाख की मजदूर है दिल्ली में और 11 हॉस्पिटल हैं, आपके यहां 6 लाख मजदूर है और एक अस्पताल है ईएसआई का 300 बेड का। कई बार आपकी सरकार से कहा गया, आपके मंत्री कहते हैं कि हम सामाजिक सुरक्षा की जब बात आएगी तो ईएसआई के अस्पताल की बात भी करेंगे, डिस्पेंसरी की बात भी करेंगे। साहब आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम मजदूरों की स्थिति को बेहतर करने का काम करेंगे, आपको याद होगा, आपने क्या बेहतर किया जरा एक बता दीजिए कि मजदूर के हित में, मजदूर की कानून के हित में, मजदूर के स्वास्थ्य के हित में, मजदूर की शिक्षा के हित में, मजदूर की चिकित्सा के हित में आपने क्या कदम उठाया, एक चीज बता दीजिए। मैं एक सेकंड और, बेज रिवीजन की जब बात आती है, इंजीनियरिंग बेज बोर्ड, शुगर बेज बोर्ड, होटल एंड रेस्टोरेंट बेज बोर्ड, केमिकल बेज बोर्ड, टेक्सटाइल बेज बोर्ड जैसे आप लोगों ने बिल्कुल खत्म कर दिए हैं, एक भी नहीं चढ़ी। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, चलिए जवाब ले लूं मैं एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण, श्वेता जी एक बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा सेक्टर, अभी साथी कह रहे थे कंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे आपने बीओसी बोर्ड बनाया, पिछली सरकारों तक योजनाएं चलती रहीं, आप करीब 15 योजनाएं लेके आए हैं, आप पूरे प्रदेश में बता दीजिए एक योजना आपने लागू की हो। पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, इतना तो किया कि साइकिलें बांटने का काम कर दिया, उनको गैस सिलेंडर देने का काम कर दिया, आपने एक भी बीओसी में एक कानून, आपके पास मालूम है कितना पैसा पड़ा खाली उत्तर प्रदेश में? 84,000 करोड़ रुपया बीओसी बोर्ड का पड़ा है, जिसे सरकार गलत तरीके से यूज कर रही है और मजदूरों पर खर्च नहीं कर रही है। हरी अनिल जी जवाब। आरपी सिंह जी,
आरोप लगाना बहुत अच्छी बात है, अब बहुत मामूली बात है सर, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं सर, मेरी बात आरोप नहीं लगा रहे हैं, अब आप मेरी फैक्ट बता रहे हैं, मैं आपको सुनाता मत कहिए कि हम आरोप लगा रहे हैं, मैं आपको सुनाता हूं, आप मेरी सुन लो ना, मुझे आप इतना और बता दो सबके सामने, 2014 में क्या वेतन सैलरी थी और आज क्या सैलरी है, 2014 में क्या थी और आज क्या है, इतना और इतना बता दो, इसमें जवाब आपकी बात का जवाब 6500 2014 में वेज बोर्ड था, मिनिमम वेज तनख्वाह थी और अब क्या है, और 6800 अब है, यानी बढ़ाया नहीं बढ़ाया आपके अनुसार, नहीं बढ़ाया सर, अरे अरे सर आपने नहीं बढ़ाया, अरे किसी ने बढ़ाया सर, अरे भैया हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, अरे तो तुमने क्यों नहीं बढ़ाई, तुम कहां सो गए थे, तुमने 6500 के आपने 10000 क्यों नहीं करी, आपने जो करा आपके टाइम के अंदर, आप जब हर चीज से बात कर रहे हैं, आप जीवन का बात नहीं समझे, मजदूर ये मुझे एक बात बताइए सर, सर सर आप मतलब आप सुनोगे नहीं तो उसका लग रहे हो, आप मजदूरी के 300 रुपए भैया मुझे, तुमने तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर, तुमने क्या करा, अभी ध्यान नहीं दोगे, तुमने क्या करा ये बताओ, तुम अपने बता दो, तुमने क्या करा, ज्यादा सफेद है आप, क्या किया आपने, क्या करा, यह है कि आप अगर कुछ करते, आज अगर आप कुछ करते, आप कुछ कर लेते, आप कुछ कर लेते, आप कुछ करते, ये प्रश्न ये तो सर जो मुझको एक बार बताया है, मुझे मुझे एक बार जब बाप बना देता है तो बेटा बेखता है, आपने आपने तो देश को तबाह कर दिया, नाकारा बेटा होता है, बेखकर खाता है, आपने देश को तबाह, आपने तो हाँ बेच करके बिल्कुल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल दो आदमी जो जमानत पर बाहर हो, सोनिया जी जमानत पर बाहर हो, जमानत बाहर हो, भ्रष्टाचार से मुक्त आदमी आपको गड्ढे भरने मुश्किल हो रहे हैं, आपने गड्ढे में डाल दिया, आपने देश में धकेल दिया, आपने देश में धकेल दिया, वो इस देश को जो जमानत पर बाहर है, जो जमानत पर बाहर है, जो जमानत बाहर है वो नकारा पुत्र है, अपने दोस्तों बिल्कुल नकारा पुत्र है, जो जमानत बाहर है वो नकारा पुत्र है, सारे आरोप आरपी सिंह के हैं और उसका जवाब अनिल सर, हो सकता है आज आप गणित में फंस रहे हैं, लेकिन ये जवाब तो सर, ये जवाब तो नहीं होना चाहिए, मुझे तो नहीं लगता प्रेम कुमार जी, क्या जवाब नहीं है या बचने की कोशिश या कुछ कहने को नहीं है तो फिर चांद दिखाने लगो कि वो देखो वहां पर चांद है, यही काम करती आई है बीजेपी, अनिल गोयल जी का इसमें कोई दोष नहीं है, दरअसल सरकार की तरफ से जब कोई इंडिकेशन ही नहीं दिया जा रहा है कि वो बातचीत भी करेंगे तो ये किस बिना पर, किस दम पर ये भरोसा भी दे, तो इनके पास कोई है नहीं, इनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, देखिए ये मैंने पहले भी कहा, ये आंदोलन सरकार की जानकारी में उनको नोटिस देके उनसे बातचीत करके की गई, सिर्फ इस आंदोलन की बात नहीं है, आप दूसरे तमाम आंदोलनों को देख लीजिए ना, विरोध प्रदर्शन को देख लीजिए, दूसरी चीज़ों को देख लीजिए, सरकार क्या है कि झुकने को तैयार नहीं, झुकने को वो मानती है कि अपने लिए नेगेटिव बात, अरे आप अपने लोगों के से बात कीजिएगा तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आप प्रदर्शनकारियों को बुला के बात कीजिएगा तो आप मजबूत कहलाएंगे, आप आंदोलनकारी मजदूरों से बात कर लीजिएगा तो आपको माना जाएगा कि आप सरकार, लोकतंत्र का मतलब और बहुमत का मतलब यही होता है कि अल्पमत को साथ में लेके चले, अल्पमत को दुत्कार करके जब बहुमत चलता है तो यही तानाशाही होती है, उन्हें भी वोट किया है लोगों ने, तभी हाँ, वो हैं विपक्ष के रोल में, आप देखिए बहुमत का मतलब ही होता है लोकतंत्र में कि अल्पमत को विश्वास में लेके चलिए, लेकिन सरकार दुत्कार कर चल रही है, इसीलिए ये स्थिति पैदा हो रही है, साथ लेकर के बिठाइए जो भारत की समस्याएं हैं उनको लेकर के बैठिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय लीजिए, हरीश जी हरीश जी आपको लगता है कि आप इस बात के ज्ञाता नहीं है तो दूसरी पार्टियों की भी सलाह ले लीजिए, आप बीच में बात तो आप तो सुनने की आदत नहीं है, जितने भी लोग आप बीच में बोलना शुरू कर दे, अरे प्रेम कुमार जी बात की बात आपके पास अच्छी लोग चलाया है, जो आपके तमाम सवाल हैं सरकार से और आप जब जवाब दे रहे थे सर तो तमाम यहाँ पैनलिस्ट के चेहरे पे भी मुस्कान आ गई थी कि ये किस तरह का विरोध प्रदर्शन आज आपका हो रहा है, गुड़ तो खाए और गुलगुले से परहेज, आज देश को नहीं समझना चाह रही है तो इसके लिए हमारी मजबूरी है भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी चीज को नहीं समझ रही है कि आर्थिक मंदी हो रही है, मजदूर बढ़ा नहीं है, लेकिन तो गुड़ तो खाए ना सर, आज गुलगुले से परहेज नहीं ठप हो गया है, आपने गुड़ खाए कि नहीं खाए, आज 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 है कि नहीं बता दीजिए मुझे, अरे आप मुझे बता दीजिए आपने गुड़ खाए कि नहीं खाए सर, गुड़ खा लिया अब आपको गुलगुले से परहेज हो रहा है, ये कैसी बात हो गई, तो सियासत तो आप ही लोग कर रहे हैं ना सर, मुख्य मुद्दा जो है वो भटक जा रहा है,
ये आप ही चैनल लोग कहते थे हमको सरकार दे तब भी सरकार नीति विरोध करते थे कर जो नीतियां गलत है विरोध हमेशा विरोध किया है चाहे किसी समय भी हो हम महाराष्ट्र से बैठ करते थे सबसे पहले विरोध में करते थे और सरकार में नहीं रहते थे सरकार से बात क्यों नहीं है समझिए ये लोग भी विरोध कर रहे हैं लेकिन सरकार के साथ हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि ये दिखावे विरोध क्यों कर रहे हैं। नहीं आपने तो कह दिया सर, जो आपको कह रहा था मलाई खाए हैं तो ये सरकार सरकार में बैठे लोग मलाई खाते हैं। क्लोजिंग कमेंट चाहूंगी संजीव कौशिक, शॉर्ट क्लोजिंग कमेंट, पॉजिटिव नोट होना क्या चाहिए और सरकार के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है, सियासत ना हो लेकिन मुद्दों को कम से कम उठाया तो जाए। शॉर्ट क्लोज मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के लोगों को छोड़कर के बाकी यहाँ जितने भी लोग हैं सारे लोग चाहेंगे इस सरकार कम से कम ये आवाज सुने, सरकार के कानों में जाए। हम समझते हैं कि बैठ के बातचीत करने में या आमंत्रण देकर के बातचीत करने में कुछ गलतियां हुई है सरकार से, उसे एक्सेप्ट करने में भी कोई शिकायत की बात नहीं होनी चाहिए। रास्ते हैं, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, अभी 4 साल अभी और सरकार है, तो एक निश्चित रूप से पॉजिटिव वे में यदि चले सरकार के लिए ज्यादा जनता के लिए। प्रेम कुमार जी क्लोजिंग कमेंट। ये बिल्कुल मैं उनसी बात को जोड़ता हूँ कि सरकार को जितने भी विरोध प्रदर्शन हैं, जितना भी विरोध है चाहे ट्रेड यूनियन का हो, किसानों का हो, छात्रों का हो, हर के साथ में नेगोशिएशंस जारी रखना चाहिए। संवादहीनता खत्म होनी चाहिए, संवादहीनता ही सबकी जड़ में है। जो असंतोष है देश में जो बढ़ रहा है खुद सरकार के लिए नुकसानदायक है, उसमें संवादहीनता को तोड़ना होगा, इस चीज को खत्म करना चाहिए। अनिल मिश्रा जी क्लोजिंग। जी बिल्कुल, मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूंगा जैसा भाई लोगों ने कहा बिल्कुल सही बात कही, लेकिन उसके साथ सरकार को व्यवहारिक होना पड़ेगा। सरकार की जो लोकतंत्र की कार्य प्रणाली होती है केवल सिद्धांतों से नहीं चलती, केवल कानूनों से नहीं चलती, उसमें व्यवहारिकता लाई जाती है। उस व्यवहारिकता की पूरी तरह से कमी देखी जा रही है और एक एसी लगे कमरों में बैठ के कागजी आंकड़ों के फेर में जो सरकार चुनिंदा गिने चुने लोगों के द्वारा घिरी हुई है उसको इससे बाहर निकलकर हकीकत जानने का प्रयास करना चाहिए और लोगों से मिलजुल कर देश के हित में काम करने का मुझे लगता है शायद प्रयास करना चाहिए, वरना बहुत देर हो चुकी है, शायद देश इतने गर्त में चला जाएगा उठाना फिर मुश्किल हो जाएगा। इसी पॉजिटिव कमेंट के साथ मैं चर्चा को यहीं समाप्त करती हूं। तमाम गेस्ट हमारे साथ आपको छोड़ना पड़ेगा, बहुत शुक्रिया। लेकिन पॉजिटिव कमेंट के साथ क्योंकि एंड करती हूं शो को, तो पॉजिटिव कमेंट यही जो हमारे तीन पैनलिस्ट ने कहा कि संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, खतरे की घंटी है, सरकार को कहीं ना कहीं अब जाग जाना चाहिए और एक बार बैठ के बात करने में कोई बुराई नहीं है, आपको सुनना चाहिए कि आखिरकार देश की जनता चाहती क्या है और प्रैक्टिकल होना जरूरी है। तो प्रैक्टिकल होइए, केवल एसी के कमरे में बैठकर डिसीजन मत लीजिए, जब आप ग्राउंड पर आएंगे और जनता से जुड़कर बात करेंगे तो शायद तस्वीर कुछ और देखने को मिलेगी। एसी के साथ बस आज इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए R9 TV सिर्फ खबर के लिए। मुझे लगता है कि लेफ्ट पार्टी अब एक तरह से वेंटिलेटर पर है और जो देश की तरक्की एक्सीलेटर पर चल रही है उसको कैसे वो रोका जा सके उसकी कोशिश। स्ट्राइक बैक कर रहे हैं मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ।